Assalamualaikum, welcome to Flame On है. मैं आपका शेफ इरफान वास्ती. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे. जैसा कि कराची में लहर चल गई है सर्दियों की और हवा चल गई है, बड़े मज़े का मौसम हो गया है. तो जो सर्दियों से रिलेट करते हुए खाने होते हैं तो वो बड़े जो हैं पीक पे आ गए. रेस्टोरेंट्स आबाद हो गए हैं, कट्टा कट हो गया, निहारी हो गई, पाए हो गए, और इससे रिलेट करते हैं जितने भी खाने स्पाइसी खाने होते हैं और ख़ासकर सर्दियों में खाए जाते हैं उन पर बड़ा ज़ोर है आजकल. तो हमने कहा देसी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज हम कुछ बात करते हैं कॉन्टिनेंटल की. तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो है भी सर्दी का मेन्यू. सूप बना रहे हैं हम. सूप अक्सर हमारा क्या मामलाते हैं सर्दियों में, कुछ चीज़ें हैं जो सर्दियों से ही मुंसलिक कर दी गई हैं. उसमें एक सूप भी है. जब सर्दी आती है तो हम सूप पीते हैं या बीमार हो जाते हैं तो चिकन की यखनी का इस्तेमाल होता है. तो आज बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल मेन्यू. इसके अंदर हम बनाएंगे पोटैटो क्रीम सूप, चिकन बनाएंगे विद बेजिल. अच्छा, बेजिल जो है, बेजिल, थाइम, ओरिगानो, जितने हर्ब हैं इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इसको हम लोग देसी खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम करी बना रहे हैं, है तो वो कॉन्टिनेंटल साइड की, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे पाकिस्तानी स्पाइसेस को. तो बना रहे हैं टोमेटो बेजिल करी. उसके बाद राइस बनाएंगे, पेस्टो राइस. पेस्टो सॉस जैसे पास्ता बनता है वही रेसिपी हम अप्लाई करेंगे राइस के साथ. और उसके साथ एक स्टार्टर है हमारे पास, क्रिस्पी कॉर्न्स. बड़े मज़े की ये रेसिपी है. स्वीट कॉर्न्स है हमारे पास, इसको हम क्रिस्पी करेंगे, उसके ऊपर चाट मसाला नमक चढ़ के खाएंगे. एक कंप्लीट मेन्यू बना रहे हैं जिसमें हमारा सूप भी आ गया, स्टार्टर भी आ गया, और हमारी जो है राइस भी आ गया इसके अंदर, और मेन डिश भी आ गई. तो शुरू करेंगे सबसे पहले सूप के साथ. सूप के लिए हमें चाहिए आलू. आलू यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं. अच्छा, आलू जो है जब भी हम इसका सूप का कुछ बनाते हैं या आलू से हम कुछ भी बनाते हैं सेवरी डिश जो कि नमकीन डिश हो, तो कोशिश करें उसके अंदर आलू का जो चुनाव है वो आलू आपने लेने फीके वाले. मीठे आलू भी आते हैं, फीके आलू भी आते हैं. ये आपने देखना है, खासकर जब आप सूप बनाएं या कोई भी सेवरी डिश बनाएं तो आपने आलू जो है सादे लेने, मीठे वाले नहीं लेने. अगर मीठे होंगे तो आपकी डिश का टेस्ट ख़राब हो जाएगा. आलू यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, इसको हमने ओवर बॉयल करना है. ज़्यादा बॉयल होंगे तो मैश अच्छे होंगे, टेक्स्चर क्रीमी आएगा. तो यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास हरी प्याज है, गाजर है, लहसुन है कुटा हुआ, यहाँ पे मक्खन है हमारे पास, क्रीम है. अच्छा, इसके अंदर दो हर्ब जाएंगे, थाइम और ओरिगानो. नमक है, वाइट पेपर है, और जायफल का पाउडर है थोड़ा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा ये. और यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल स्टॉक है. वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए घर में जितनी सब्ज़ियाँ आपके फ्रिज में रखी हैं फालतू, आपने सारी सब्ज़ियाँ उठानी है, पानी डालना है, सब्ज़ियाँ डालनी है, और आप चूल्हा खोल दे रहे हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. जो यखनी बनेगी सब्ज़ी की वो बड़ी बेहतरीन होगी, और उसी का इस्तेमाल हम करेंगे सूप के अंदर. अगर आप घर में कोई खाना बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, इवन अगर चिकन भी बना रहे हैं तो ये स्टॉक आप इसमें इस्तेमाल करें. बड़ा टेस्टी भी होगा और फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि सारी सब्ज़ियों का अर्थ जो उसके अंदर आ जाएगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गाजर है. पहले सब्ज़ियों की थोड़ी कटिंग कर लेते हैं. इसमें फाइन चॉप जो है गाजर जाएगी. अच्छा, यहाँ पे मैं दो सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाजर का और हरी प्याज का. इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं. आप इस सूप के अंदर मटर भी डाल सकते हैं, आप इस सूप के अंदर मशरूम्स भी डाल सकते हैं, आप इस सूप के अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं. जो सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हैं, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, आप इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से. बिल्कुल फाइन चॉप करना है. जितनी अच्छी चॉप होगी, जितना फाइन ये चॉप्ड होगा, उतना अच्छा टेक्सचर आएगा सूप का. क्योंकि ये वाइट सूप है, इसके अंदर मैंने सिर्फ दो कॉम्बिनेशन दिए कलर्स के, रेड और ग्रीन. और कोशिश ये करनी है कि इसको आपने बिल्कुल फाइन चॉप करना है, ताकि हर बाइट के अंदर जो है
बिल्कुल छोटा सा जो आपके पास गाजर का पीस है, ये लीजिए गाजर हमारी यहाँ पे चॉप हो गई है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने हरी प्याज को भी चॉप कर लेना। बड़ी क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि घर में अपने चिकन की यखनी और ये वेजिटेबल स्टॉक या आप बना के रखें, बॉटल में भर के या किसी जग में कंटेनर में करके रख लें, और रोज़ाना आप कोई ना कोई नया सूप बना सकते हैं, चिकन की यखनी के साथ भी हो, वेजिटेबल की यखनी के साथ भी। अच्छा, ख्याल ये करना है कि जो साइज हमने गाजर का रखा है वही हमने हरी प्याज का रखा है। अब यहाँ पे स्टिक्स अगर आपके पास मोटी हैं तो आप यहाँ से दरमियान से इनको काट लें इस तरीके से, ताकि जब आप चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल वही साइज आएगा जो हमने गाजर का रखा है। हरी प्याज अगर आपने फौरन इस्तेमाल करनी है तो आप इसको वॉश कर लें, नहीं तो इसको वॉश करने का तरीका ये होता है कि आपने कपड़े को गीला किया, कोई साफ़ कपड़ा ले लें, आपने उसको गीला किया और फिर उसके बाद जो आपने स्टिक्स को ना उससे साफ़ करना होता है। अगर आप इसको धो के फ्रिज में रख देते हैं या कटिंग करके काफ़ी देर छोड़ देते हैं तो इसमें स्मेल आ जाती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हरी प्याज को प्रॉपर धोना नहीं है जैसे कि हम और सब्जियों को धोते हैं। इसको आपने गीले कपड़े से जो है ना साफ़ करना है, इस पर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है, गीले कपड़े तो साफ़ हो जाएगी, और उसके बाद जो आपने इसको कट कर लेना है। फिर उसके बाद आप इसको अगर काट के रख भी देते हैं ना, एक दिन भी फ्रिज में रखी रहे तो ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें अब इसको हमने इस तरीके से आलू जो हमारे बॉईल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल जो है इनको ओवर बॉईल कर देना है ताकि मैश हो तो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। अच्छा, आपने देखा है कि इस रेसिपी में यूजुअली क्या होता है, जितनी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ हैं उसमें सूप को गाढ़ा करने के लिए रूह का इस्तेमाल होता है। रूह क्या होती है? थिकनिंग एजेंट होता है, जैसे कि चाइनीज़ में कॉर्नफ्लोर के साथ सूप को गाढ़ा करते हैं तो कॉन्टिनेंटल में रूह के साथ। रूह कैसे बनती है? इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा एंड फ्लावर, इसको हम पकाते हैं तो रूह बन जाती है। जब भी कोई सूप हमें गाढ़ा करना होता है तो हम इसमें रूह डालते हैं, लेकिन इस ये पोटैटो सूप है तो ऑलरेडी ये स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च, तो इसमें हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आलू के अंदर जो स्टार्च होता है उसी से ये सूप हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखेंगे हरी प्याज हमने यहाँ पर चॉप कर लिए, आलू हमारे बेहतरीन जो है वो बॉयल हो गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें अब हमने इनको सिर्फ मैश करना है। एक बॉल और ले लेते हैं, चलिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद काम करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, यहाँ बना रहे हैं पोटैटो क्रीम सूप। आलू हमारे बॉयल हो गए, मैश कर दिया बिल्कुल, आप देखें ओवर बॉयल किए थे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया, कोई लम्स नहीं है, अच्छे से हमने मैश किया इनको। शुरू करते हैं सूप, सबसे पहले शामिल करेंगे बटर, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे,
अच्छा, बटर का जब भी इस्तेमाल करना है बटर को ओवर हीट नहीं करना है, हल्का सा मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने प्याज लहसुन जो भी डालना है डाल दें। अगर बटर जल गया एक दफ़ा, आपने ओवर हीटेड कर दिया इसको, इसका जो अरोमा है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे गार्लिक है हमारे पास, गार्लिक को हमने चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा और इसको करते हैं चॉप। ये शामिल करेंगे इसके अंदर, हल्का सा सौते, थोड़ा सौते हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए गार्लिक, तो उसमें शामिल कर देंगे कैरेट फाइनली चॉप। इसको भी 10 से 20 सेकंड हमने हल्का सौते करना है। हल्की से खुशबू आ जाए गार्लिक की, कैरेट की, उसके बाद इसमें शामिल कर देना हमने वेजिटेबल का स्टॉक। स्टॉक डाल के इसमें फ्लेवर दे देंगे। फ्लेवर के लिए हमारे पास यहाँ पर है ओरिगानो, थाइम, अगर आपको ड्राई मिलता है ड्राई डाल लें, अगर आपको फ्रेश मिलता है तो फ्रेश डाल लें, सॉल्ट टू टेस्ट, वाइट पेपर और जायफल का पाउडर है, बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल एक चुटकी के बराबर आपने इसमें डालना है, बड़ा अच्छा ये फ्लेवर देगा इसके अंदर। बस अब आपने इसको मिक्स करना है और इंतज़ार करना है कि इसमें बॉयल आ जाए, जैसे इसमें बॉयल आता है तो आपने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू डाल के इसको प्रॉपर हमने विस्क के साथ चलाते रहना है। कौसर है हमारे पास मुजफ्फरगढ़ से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरफान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं देख रही हूँ इसको, जब आप ये चटखारे, चटपटे चटखारे रमजान में देते हैं जी, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, और शुक्र है कि आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, फ्लेम ऑन है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छे खाने होते हैं माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरती से वाइंड अप बड़ा खूबसूरती से करते हैं। मैं बल्कि मैं टेंशन में होती हूँ कि हाई कैसे कम्प्लीट कैसे होगा, तो आप पूरे टाइम पे कर जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी डिशेज होती है आपकी। चलें बहुत शुक्रिया। आज का सवाल हमने किया नहीं था, चलें आपसे ही कर लेते हैं। अगर आप शुरू से देख रही हैं, मैंने बताया जैसे कि हम चाइनीज सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह जो कॉन्टिनेंटल के सूप्स होते हैं उनको गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये आपने बताया था कि मैदा और फ्लोर को ना मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है, तो उससे हम मिक्स करते हैं। मैं आपका प्रोग्राम बड़ी तवज्जो से देखती हूँ और सुनती भी हूँ, क्योंकि ये आपका बड़ा अच्छा है कि आप ना पहले सारा कुछ बता के उसी में से पूछ लेते हैं। और एक मैंने आपका प्रोग्राम मिस किया है टेबल सेटिंग का जी। मैं जब भी किसी को इनवाइट करती हूँ, मुझे टेंशन यही होती है कि टेबल कैसे सेट करूँ। नहीं, यूट्यूब पर है, आप देखें, यूट्यूब पर है, आप उसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलें ठीक है इंशाल्लाह। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस सारी हो जाती है पूरी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं। आजकल सूप का है, तो आज का जो सूप आप सिखा रहे हैं मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, फिर आपको फीडबैक दूंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये बॉयल आ गया इसके अंदर, अभी इसमें हमने मैश किए हुए आलू इसमें डाल देने, और इसको हमने अच्छे से आप चलाना है। प्रॉपर इसको चलाएं ताकि इसमें लम्स ना बने आलू के, और अगर आप इसको मैश करने में मसला आ रहा है आपको थोड़ा सा, तो आप इसको चॉपर में डाल के या
जूसर में डाल के आप आलू के साथ थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डाल के आप इसको पीस लें ताकि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ शामिल करते जाएंगे। अब देखना है कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, उसके हिसाब से जो आप आलू इसमें डाल दें सारे। जैसे जैसे पकेगा गाढ़ा हो जाएगा। आज का सवाल हमारा है कि कॉन्टिनेंटल सूप को गाढ़ा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। बड़ा बेहतरीन, अगर आप इसमें पिज़्ज़ा बनाते हैं तो प्रॉपरली आपका पिज़्ज़ा ऐसे बेक होता है जैसे आपने इसको ओवन में बेक किया है। बस आपने अब इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। फ्लेवर जो आप इसका टेस्ट कर लें, अगर कोई नमक मिर्च इसमें डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं। परफेक्टली टेस्ट है इसका। हर्ब्स का जो अरोमा है ओरिगानो का, थाइम का, वो बेहतरीन है इसके अंदर। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। क्रीम शामिल की, हरी प्याज थोड़ी इस स्टेज पे, ऐसे ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कंसिस्टेंसी जो आपने अपने हिसाब से रखनी है इसकी, तकरीबन 1 से 2 मिनट और पकेगा ये तैयार हो जाएगा। ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक में मैं इसको निकाल लूँगा और थोड़ी जो गार्निश करनी है वो आपके सामने कर देंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। ऑफ पोटैटो सूप, अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी गाजर 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 2 खाने के चमचे, उबले और कुचले आलू 1/2 कप, वेजिटेबल स्टॉक 2 कप, क्रीम 1/4 कप, नमक हसबे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, थाइम 1/4 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर गाजर डालकर 1 मिनट पका लें। अब कुचले आलू और तमाम अज्जा शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में हरी प्याज और क्रीम डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सूप हमारा तैयार हो गया है, हमने इसको बाउल में निकाल भी दिया। थोड़ा सा कहते हैं इसको गार्निश, थोड़ा क्रीम हमने लिए। क्रीम डाली, थोड़ी सी जाएगी इस पर हरी प्याज। That's it, ये हमारा सूप तैयार है। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो हमारी वो है क्रिस्पी कॉर्न्स। यहाँ पे हमारे पास स्वीट कॉर्न्स हैं, इनको हमने ब्लांच किया हुआ है। ये फ्रोजन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कच्चे लेके इसको बॉईल कर सकते हैं। टिन में आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न है हमारे पास, राइस फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर ये गया इसमें, हल्का सा नमक इसमें डाल दें। अगर ना भी डालें तो हम इसको जब सीजनिंग करेंगे चाट मसाला नमक के साथ तो उसमें भी काफ़ी होगा। अच्छा जी, ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसको। ऑयल यहाँ पे हमारा गरम हो रहा है, इस तरीके से आपने डालना है। कौन सारे पानी ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी इसमें ना जाए। कौन सा आपने निकाले सारे,
और अच्छे तरीके से जो आपने इसको मिक्स करना है, ब्रेडिंग अच्छी होगी, क्रिस्पी अच्छे होंगे। दो से तीन मिनट तक आपने हल्के हाथ से इसको इस तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि कोटिंग हो जाए अच्छी सी। बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाइएगा, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे कॉर्न जो है पिचक जाएंगे, दब जाएंगे, तो टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। बस दो से तीन मिनट आपने मुस्तकिल जो है इस तरीके से इनको करते रहना है। कॉर्न्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है बड़ी डिफरेंट है। अमूमन लोग सैलेड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको, लेकिन अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसको तो इसके एक तो वेरिएशन आ गया रेसिपी के अंदर। और कॉर्न्स का इस्तेमाल कभी राइस के अंदर करके देखिएगा, फ्राइड राइस बनाएं, गार्लिक बटर राइस बनाएं, सैफ्रन राइस बनाएं, उसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालें, फिर देखें उसका मज़ा। अच्छा जी, अब इसको हमने थोड़ा सा छानना है। इस तरीके से छान के इसको हमने फ्राई करना है थोड़ी तेज आंच के ऊपर। फहमीदा है दादू से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह की मेहरबानी है, बिल्कुल ठीक। और आपका शो में बड़े शौक से देखती हूँ, बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका। चलें बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, आज का सवाल कौन सा है इरफान भाई? आज का सवाल यह है कि कॉन्टिनेंटल खानों को, कॉन्टिनेंटल सूप को गाढ़ा करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मैदे का इरफान भाई। सही है, और बताएं? और मैंने सूजी का हलवा आपका बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, जबरदस्त। आप अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते हैं, आराम से आ जाती है हमें समझ में, हम बनाते हैं, बड़ी अच्छी बनती है, उसी चीजों से सिखाते हैं जो किचन में मौजूद होती जी है। जी बिल्कुल, आसानी के साथ मिल जाए आपको। बीफ व्हाइट कोरमे की फरमाइश है मेरी। चले इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे व्हाइट कोरमा जी। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कॉर्न्स आपने ढक देने, थोड़े सही से फ्राई हुए, क्रिस्पी जब हो जाएंगे हल्का सा कलर आ जाएगा निकाल लें। यहाँ पे हमारे चावल जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं, चावल बिल्कुल डन करने हैं, इसमें कोई कमी हमने छोड़नी नहीं है, और चावल हमारे परफेक्टली हो गए, तो इस स्टेज पे हम चावल भी निकाल लेंगे। चूल्हा करेंगे बंद, नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है चावलों में, क्योंकि नमक ऊपर से भी जाएगा। राइस हो गया, यहाँ पे करेंगे चूल्हा बंद। कॉर्न्स को प्रॉपर मिसेज नवाज हैं फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अरे आज की कुकिंग बहुत बहुत अच्छी बना रहे हैं, और आपकी कुकिंग माशाल्लाह जब भी करते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, और माशाल्लाह तमाम जितने भी है ना शेफ वो बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि मुझे आपकी ज्यादा पसंद आती है। चले बहुत शुक्रिया आपका। और भाई आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, इसमें मैदा डालते हैं। मैदा डालते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी,
कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चले बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पे कॉर्न जो है वो भी फ्राई हो गए, बस आपने ख्याल रखना है कि ये जो थोड़ा उछल कूद मचाते हैं ना, तो ये थोड़ा आपको जख्मी कर सकते हैं, तो आपने फौरन कॉर्न डालना है, उसको ढक्कन लगा देना ताकि ये प्रॉपर जो है तरीके से फ्राई हो। अभी आप देखें कि बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गए, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए, इसको आपने किसी टिश्यू पे निकालना है। इसी तरीके अब सिंपल आपने इस पे नमक डाल देना है, चाट मसाला डाल दें और इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से, और इसको हमने कर देना है डिश आउट। ये नहीं, बड़े मजे का जो स्टार्टर है ये। ये लीजिए, ये हमारा क्रिस्पी कॉर्न भी तैयार हो गए, सूप तैयार हो गया है, स्टार्टर तैयार हो गया है। अब थोड़ी आगे मैं करता हूँ सफाई, इसके बाद हमारी सेकंड रेसिपी जो है, थर्ड रेसिपी सॉरी, वो है टमाटो बेजिल करी। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, चलें थोड़ी मैं सफाई भी कर लेता हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए, दो रेसिपीज हमारी तैयार हो गई हैं, एक तो हमारा सूप क्रीम और पोटैटो सूप और क्रिस्पी कॉर्न, दो रेसिपीज तैयार हो गई हैं। अब जो तीसरी रेसिपी है उसकी तैयारी करते हैं, टोमेटो बेजिल चिकन करी। चलें ये थोड़ा सा मैं गार्निश बना लें इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हैं टमाटर, टमाटर की प्यूरी बनानी है, ब्लांच करके प्यूरी बनाएंगे। अच्छा जी, छोटी वाली छुरी है, टमाटर सबसे पहले इनको ब्लांच करने के लिए कट मार के इसको ब्लांच कर लेते हैं 2 से 4 मिनट। मिसेज अदनान है फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। जी सर, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका पुराना शो जो चटपटे चटखारे वो भी देखती थी, और इसके अलावा मैं रेसिपीज भी ट्राई करती थी, और आपके सर सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी। जी जी, जी जी जवाब दीजिए सर। कॉन्टिनेंटल सूप को गाढ़ा करने के लिए मैदा यूज करते हैं, मैंने सर मैसेज भी कर दिया है। चलें गुड हो गया, आपका मैसेज भी आ गया है, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? सर तकरीबन पूरी हो जाती है सारी, वहाँ पे भी वो जितनी भी चाय के साथ या पिज्जा वगैरह वो सब मैं ट्राई करती रहती हूँ सर। चलें जबरदस्त काम हो गया, तो जी चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आज का सवाल बड़ा आसान है हमारा, कि कॉन्टिनेंटल कुजींस में जो हम सूप को गाढ़ा करते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर हमारे ब्लांच हो रहे हैं, प्याज को थोड़ा चॉप कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कैरेट,
तो कैरेट को हमने करना है डायमंड कट। खलील साहब हैं सेवन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। खलील भाई आप बताएं खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, और मैं आपका पूरा आपका इंतजार करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, क्या बात है आपकी, और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ इरफान भाई। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कीमे वाले नान मैंने बनाए, बहुत अच्छे बने। क्या बात है, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। और बर्गर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन हो गया। सवाल का जवाब देंगे आज का? आपके सवाल का जवाब दूंगा जी जी। मैदे का इस्तेमाल करते हैं सर सूप को गाढ़ा करने के लिए। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी, चलें गुड हो गया। और फरमाइश करना चाहेंगे कोई? फरमाइश सर आप सब पूरी कर देते हो, और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी जी। आप अपने शो का नाम सर चस्का पकाने का रखते हैं तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, जो ताहिर भाई किया करते थे, ताहिर भाई के शो का बिल्कुल नाम था। चलें आपकी ये सजेशन भी आ गई, और क्या कहना चाहेंगे? बस सर आपका शो बहुत अच्छा है। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज हमने कर लिया है चॉप्ड, थोड़ी सी और, तकरीबन एक प्याज ली हमने दरमियाने साइज की, इसको कर लेंगे फाइनली चॉप्ड। ये हो गई है, अच्छा जी। अब है हमारे पास कैरेट। कैरेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो कटिंग करनी है आपने इसकी कर लें। मैं थोड़ी सी इसकी करूंगा डायमंड कटिंग, वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए जो कैरेट के साइड्स की कटिंग निकलती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन जो है उसका स्टॉक बन जाएगा। लेकिन हम जो है हम महनाज महनाज है फैसला वास्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फोन भैया? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। भाई पहले तो आपके शो की तारीफ बहुत करनी है मुझे, आपके रमजान में भी जो शो आता है वो भी आपको फॉलो करती रही हूँ, और माशाल्लाह से हर रेसिपी सेम, इतनी इजी आपने रेसिपी बनाना सिखाना आपका माशाल्लाह से, मुझे आपकी कुकिंग बहुत 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 पसंद है, मैं आपकी बिग फैन हूँ आपकी कुकिंग की। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और भाई क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी जी, कि ये पाकिस्तान में तो कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना पानी में मिक्स करके जी, तो वो ऐड कर देते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल खानों में ना भूनते वक्त मैदा डालते हैं। ठीक हो गया जी, मैदे का यूज करते हैं। ठीक हो गया बिल्कुल, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी मैंने आपसे ना कुन्ने की फरमाइश करनी है, इजी वाला कुन्ना बनाना सिखा दें। कुन्ना जी इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, चिनियोटी कुन्ना बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, टमाटर यहाँ पे थोड़े से हमने ब्लांच करने हैं 2 से 4 मिनट, और एक अदर बॉल ले लेते हैं, इसमें डालेंगे सादा पानी, अब यह टमाटर निकाल के डालेंगे ठंडे पानी में, फिर छिलका उतार के ना हमने इसको ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका जो है छिलका भी अलग हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है, ये निकाल के डालें पानी में, ये ले लें, ये हमारे टमाटर भी निकल गए, पानी हटा देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन 1/4 कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद प्याज शामिल करेंगे,
साथ ही साथ यहाँ पे इसके छिलके जो हैं टमाटर के वो भी अलग कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल खानों में प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देते, हल्का सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए बस काफ़ी है। उसके बाद का जो सारा मरला है वो शुरू कर दें। पाकिस्तानी खानों में तो हम लोग बहुत ज़्यादा पकाते हैं, प्याज को कलर दे लेते हैं, कलर देते हैं, ब्राउन ना करें अब तक मज़ा नहीं आता। वो जाहिर सी बात है, फिर ग्रेवी भी वैसी नहीं बनती जैसे हमें चाहिए होती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल खानों में जो है ना वो ज़्यादा पकाते नहीं है। बस ऑयल भी गर्म हो रहा है, ब्रेक का टाइम भी हो गया हमारे पास यहाँ पे। मैं जब तक इसके छिलके निकालता हूँ ब्रेक में, मैं इसको ब्लाइंड कर लूँगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ गए और हमारी टोमेटो बेजिल करी जो उसकी तैयारी चल रही है। बीच में थोड़ा टाइम लगा, मैंने कहा इसको बादाम जो है इनको थोड़ा ब्लांच कर लेते हैं अगली रेसिपी के लिए, ताकि छिलका जो है ना इनका आसानी से उतर जाए। चलें ये यहाँ रखते हैं, ये पानी करते हैं आउट। तो ये ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑयल डाल दिया था, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है। प्याज हमारी चॉप हो गई है, प्याज चॉप हो गई है, प्याज शामिल करेंगे। प्याज को एक से डेढ़ मिनट तक हमने सौते करना है, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें लहसुन। अच्छा यहाँ पे हमारे पास चिकन है, चिकन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो थाई का बोनलेस होता है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ा जूसी होता है, बड़ा टेंडर होता है, पकने के बाद भी जो है ये बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो ये देखें यहाँ पे क्यूब हैं थाई के बोनलेस के, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इजीली मिल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्रेस्ट के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू। ये देखेंगे अब इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक। ये रेसिपी बड़ी हमारी देसी रेसिपी से मिलती जुलती है। बेजिल लीव्स है हमारे पास, ये इसमें डालेंगे। तुलसी के पत्ते आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत जगहों पे लगे भी होते हैं, फ्रेश आप लेके वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी अब इसमें डाल देंगे हम गाजर, गाजर को भी थोड़ा फ्राई करेंगे। गाजर को फ्राई करने के बाद हल्का सा इसमें शामिल कर देंगे चिकन। आज का हमारा बड़ा आसान सा सवाल था कि कॉन्टिनेंटल खानों में सूप को गाढ़ा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। बड़े जवाब भी हमारे पास आ गए हैं, आप जवाब दीजिए एसएमएस के थ्रू 8881 पे भी आप जवाब दे सकते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स का पिज्ज़ा पैन। पिज्ज़ा पैन के ये परफॉर्मेंस है बड़ी बेहतरीन है, आप इसमें पिज़्ज़ा बेक करें बिल्कुल वैसे ही बेक होता है जैसे कि आप ओवन में करते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है ताकि बेजिल का जो अरोमा है वो अच्छे तरीके से जो है चिकन में और बाकी गाजर के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे सीजनिंग, जीरे के पाउडर है हमारे पास ये डालेंगे, नमक, थोड़ी सी चीनी, पेपरिका पाउडर, थाइम और ओरिगानो।
ये डाला, अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, भूनना है। देखें अब यहाँ पे हमारी प्यूरी भी तैयार है। अब इस स्टेज के ऊपर जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे प्यूरी। तबस्सुम, तबस्सुम है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आपका प्रोग्राम हम अक्सर शौक से देखते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाते हैं आप। बहुत और शुक्रिया। मेरे पास टाइम बहुत दिन काफी दिनों से मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ मगर आज मेरी कॉल लगी। चले आज मिल गई आपकी कॉल। जी मेरी खुशकिस्मत थी की जो आपसे बात हो गई आज। और बताइए जवाब देंगी सवाल का? सवाल क्या है आपका आज का? हमारा सवाल बड़ा आसान सा है। जैसे कि हम चाइनीज खाने के जब सूप बना रहे होते हैं, कोई ग्रेवी बनाते हैं, तो उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉन्टिनेंटल का अगर हम सूप बनाते हैं तो उसको गाढ़ा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर। वो तो चाइनीज में, कॉन्टिनेंटल में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं ये सवाल आपने बताना है। अच्छा ये मैदा, सही है आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? वैसे आप जवाब सोच के ना अच्छे तरीके से आप SMS भी कर सकते हैं हमें 888 पे, आपका जवाब शामिल हो जाएगा। नहीं आपका जवाब आ गया है, जवाब आ गया, हमने शामिल कर लिया। अच्छा और बताएं कोई फरमाइश? क्या पता है। सही आपका जवाब आ गया, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? चलें आप इतने अच्छे खाने बना लेते हैं, हम सीखते हैं, क्या बताऊं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी हमने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है, अब इसको ना दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको हम दम पे छोड़ देंगे तो जितना एक्सेस वाटर है ना टमाटर का वो सारा रिड्यूस हो जाएगा और ये बड़ी अच्छी थिक सी जो है ग्रेवी बन जाएगी। तो जब तक हमने इसको ढक के छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो ये अभी थोड़ा जैसे जैसे ड्राई होता रहेगा उछलता रहेगा तो हमारे कपड़े भी गंदे कर सकते हैं आसपास के एरिया भी। तो इसको आपने ना ढक के छोड़ देना है कि अच्छे तरीके से ये स्लो स्लो जो है ये पकता रहेगा और गाढ़ा होता रहेगा। नेक्स्ट रेसिपी का मैं आपको बता दूँ, उसके इन्ग्रीडियंट्स भी यहीं पर पड़े हैं। पेस्टो राइस बनाएंगे, आपने पेस्टो सॉस खाया होगा, आपने पास्ता में इसको ट्राई किया होगा, आज हम इसको राइस के साथ बना रहे हैं। बड़ा अच्छा जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है, मैंने बना के देखा था, मैंने इसको पहले ट्राई किया था तो बड़ा अच्छा रिजल्ट था इसका, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी इसमें भी बेजिल है हमारे पास, बेजिल जाएगा, गार्लिक जाएगा, ब्लैक पेपर हमारे पास, सॉल्ट। अच्छा इसमें पाइन नट्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, आलमंड का इस्तेमाल भी हो सकता है, आलमंड में इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें चिलगोजे का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। और इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है। चिलगोजे 8,000 रुपये KG हैं, 9,000 इस साल का रेट है, तो बादाम पे इक्तफा करें आप, बादाम इस्तेमाल करें बहरहाल। और इसमें ऑयल जाता है ऑलिव ऑयल, आप नॉर्मल ऑयल भी कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि हम कर रहे हैं। तो बस इसका हमने पेस्ट बनाना है सिंपल, और बड़ी क्विक ये रेसिपी है, हल्की सीजनिंग होगी सॉल्ट पेपर की, बादाम ये छिलका उतारने का आसान तरीका है, आप पानी में डालें इसको और एक दफ़ा ब्लांच कर लें, थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो निकाल लें, ठंडे पानी में डाल दें, छिलका जो है आसानी के साथ इसका उतर जाएगा। देखें कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है इसका। ये देखें दो रह गए हैं। अच्छा जी यहाँ पे ये छिलके उतर गए, इसको आउट कर देते हैं। साथ ही साथ अपनी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। इसकी लुक जो है बड़ी हमारी देसी खानों जैसी है, लाल टमाटर वाले जो खाने बनाते हैं। बस जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा चूल्हा मैं तेज कर देता हूँ, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद।
टोमेटो एंड बेसिल चिकन करी, एड सा चिकन बोनलेस क्यूब्स एक कप, तेल एक चौथाई कप, कटी प्याज दो खाने के चमचे, कटा लहसुन एक खाने के चमचा, कटी गाजर आधा कप, टोमेटो प्यूरी एक कप, तुलसी के पत्ते 8 से 10 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर एक खाने का चमचा, पिसा जीरा एक चाय का चमचा, चीनी एक चाय का चमचा, नमक हंस पे जरूरत। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करें, अब चिकन डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं, फिर तमाम अज्जा शामिल करके ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, तेल अलग हो जाए तो पेस्टो राइस के साथ सर्व करें। बैग जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने टोमेटो बेसिल चिकन करी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें प्यूरी ऐड की थी, अच्छे तरीके से इसको भून दिया। देखें बड़ी थिक ग्रेवी हो गई है, ऑयल अलग हो गया इसका, ये बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे इसको कर देंगे हम चूल्हे को बंद, इसको करेंगे डिश आउट। शक्ल जो है देखने में इसकी बड़ी देसी सी है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल देसी नहीं है। इसमें जो मेन अरोमा जो है वो बेजल का है। ये बिल्कुल रुड हो गई है। इसको यहाँ से थोड़ा सा लगाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हरी प्याज जो ऊपर गार्निश कर देते हैं। ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है, टोमेटो बेसिल चिकन करी। अच्छा जी, पेस्टो राइस, पेस्टो राइस के लिए हमने सबसे पहले बताऊं कि क्या क्या हमें चाहिए। बेजिल है, फ्रेश बेजिल, नमक, ब्लैक पेपर, गार्लिक और आलमंड्स, ये सारी चीजें जाएंगी फूड प्रोसेसर में। ये डाला, बेजिल, सॉल्ट टू टेस्ट और जाएगा ब्लैक पेपर। ये पेस्ट बन जाएगा। आप इसको चाहें तो आप इसको स्पैगेटी के साथ भी बना सकते हैं, पास्ता के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। ये ब्लैक पेपर गया, अब इसमें जाएगा ऑयल, थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी शामिल करेंगे। और उसको कर देंगे ब्लेंड। इसमें चेक कर लेते हैं कि बादाम जो है इसमें हमने डाले थे वो प्रॉपर पिस गए हैं। समीना है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए। इरफान भाई, सबसे पहले तो आपकी शो की बहुत तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, हर सैटरडे का इंतजार करके बैठते हैं कि आप आए और कुछ चंद नया कुछ सिखाएं। वाह वाह, क्या बात है।
और बाकी जैसे कोई ड्रामों का इंतजार कर रहे हैं ना, मैं आपकी कुकिंग शो का इंतजार कर रही होती हूँ कि सैटरडे आए और आपका कोई अच्छा नया शो देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान भाई, दो चीजों की फरमाइश करनी है, एक तो कुन्ना जी, ठीक है बिल्कुल, और एक वो आलू गोश्त बनाती थी पहले, जो पहले जमाने की खवातीन जो बड़ी तेज हल्दी डाल के जो बनाती थी। सही है बिल्कुल, आलू गोश्त और बेकिंग कुछ सिखाइए। इंशाल्लाह हमने डाला है बेकिंग का, प्रॉपर वीक रखे हैं जी, हर जो बेसिक बेकिंग होती है ना, जैसे हम लोग जैसे सीखे वो चीज आप हमें अगर। ठीक है बिल्कुल, बेसिक से इंशाल्लाह चलेंगे, हमने बनाए सेगमेंट बनाए इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे हमारे प्लान में बेकिंग भी और स्वीट्स भी है, मिठाइयां भी बना सकेंगे। आपकी जितनी रेसिपी ट्राई की वो बहुत बेहतरीन बनी है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बनी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, पेस्ट जो है ये प्रॉपर बन गया है, थोड़ी सी है इसके अंदर बादाम के दाने, थोड़ा सा और चलाते हैं, हल्का सा चलाते हैं एक आध मिनट, ताकि वो बिल्कुल जो है ना पेस्ट बन जाए। चलें, ये हो गया, राइस हमेशा मैं कहता हूँ कि हमने कोई भी राइस बनाने हैं, फ्राइड राइस, गार्लिक राइस या ज़ाफ़रानी राइस, चावलों को पहले अच्छे तरीके से ड्राई कर लें और उसके बाद ना किसी ट्रे में लगा के ना सुखा लें, ड्राई कर लें, सुखा लें, एक ही बात है, लेकिन वो फैला के ना ज़रा इतना कि मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। अमूमन घरों में क्या प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे हमने फ्राइड राइस बनाने हैं या कोई से भी ऐसे राइस बनाए इसमें बॉयल्ड राइस जा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारा मिक्सचर तैयार किया हुआ, तो यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं, फौरन हमने निकाला पानी से छाना और डायरेक्ट जो है वो फ्राइड राइस की तैयारी पे, तो होता क्या है चावल सारे दब जाते हैं, गुत्थी बन जाते हैं, बिल्कुल लड्डू भी बन जाते हैं, तो मतलब चावलों को पहले, कभी भी ऐसे आपने राइस बनाने हैं, चावलों को बिछा के ट्रे के अंदर पहले अच्छे से ठंडा कर लें, ताकि चावल अलग अलग रहे और आपस में जुड़े ना, देखें इस तरीके से, फिर उसके बाद जो है आपने फाइनल जो भी काम करना है इसका वो करेंगे। अच्छा, ये सॉस को हम निकाल लेते हैं, सॉस हमारा हो गया, ये देखें बड़ा थिक सॉस जो है ये तैयार हो गया है, बाजार ये हरी चटनी है लेकिन ये हरी चटनी बिल्कुल भी नहीं है, इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल अलग है बेजिल की वजह से। अच्छे तरीके से निकालने जा रहे हैं, सवाल बड़ा आसान था, काफ़ी सारे हमारे पास जवाब आ भी गए। कॉन्टिनेंटल खानों में ग्रेवी को या सूप को गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आपने बताना है, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स का पिज़्ज़ा पैन, जिसका रिजल्ट बिल्कुल ओवन जैसा है। चले जी, ये हो गया है और यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हो गया है, बस हमने जस्ट मिक्स करना है, एक से दो मिनट की कुकिंग है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेस्तो राइस, अच्छा उबले चावल 1 कप, बेसल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, तेल आधा कप, बादाम या चिलगोजी 1/4 कप, नमक हस्पे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। तरकीब, चावल के अलावा तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें, पेस्तो सॉस तैयार है, कढ़ाई में पेस्तो सॉस डालकर गर्म करें, फिर उबले चावल शामिल करके मिक्स कर लें और 1 मिनट तक पकाकर चूल्हा बंद कर दें। क्रिस्पी कॉर्नस, अच्छा स्वीट कॉर्न 1 कप, राइस फ्लावर आधा कप, कॉर्न फ्लावर आधा कप, नमक हसपे ज़रूरत, चाट मसाला हसपे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब, मिक्सिंग बोल में स्वीट कॉर्न, राइस फ्लावर
और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके कॉर्न फ्राई कर लें। जब कॉर्न क्रिस्पी हो जाएं तो निकाल कर नमक और चाट मसाला डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। तीन रेसिपीज हमारी तैयार हो गई हैं। चौथी रेसिपी पेस्टो राइस बिल्कुल तैयारी पर है। पेस्टो सॉस हमने डालना है इसके अंदर। हल्का सा इसको हमने पकाना है, कच्चा पन इसका चलाया, उसके बाद चावल डाल के मिक्स करना है। हमारा पेस्टो राइस तैयार। बड़ी क्विक रेसिपी लेकिन फ्लेवर बड़ा डिफरेंट। थोड़ा हाई फ्लेम पे ताकि पानी इसका जल्दी से सूख जाए। इसमें वैसे यूजुअली ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको अच्छा खासा पकाना है और चावलों में मिक्स करना है तो हमने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सेव रहेगी और आपका जो है फ्लेवर भी जो आप चाह रहे हैं वो आ जाएगा। ऑलिव ऑयल के अंदर जो है यूजुअली अगर आप पका देते हैं तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो लिहाजा कुकिंग में मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ये देखिए सॉस हो गया गाढ़ा, फ्लेम कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसमें शामिल करेंगे राइस। राइस आपने सॉस के हिसाब से डालना है। हल्की सीजनिंग सॉल्ट पेपर के साथ। अब जस्ट मिक्स करना है, अच्छे से अब इसको मिक्स करना है। सॉस इतना ही थिक होना चाहिए, सॉस इसका बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं है बेजिल के साथ ना, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं बेजिल उनके लिए बड़ी अच्छा। जी आज का सवाल था हमारा कि कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर सूप को गाढ़ा करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होती है रू। रू कैसे बनाते हैं? इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड बटर। तो सही जवाब काफ़ी सारे आए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के थ्रू जो विनर हैं वो हैं अनमता अमतुल, अमतुल लाहौर से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है पिज़्ज़ा पैन एनेक्स का। तो जनाब यहाँ पर राइस भी हमारे हो गए तैयार। हरे भरे राइस, ये इस तरीके से आपने इसको सेट किया। सर्व अपने हिसाब से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, डेकोरेशन जो आप करना चाहें जो आपको अच्छी लगे। ये हमने चलें थोड़ी सी गार्निश कर दें। आई होप कि ये रेसिपीज आप लोगों को पसंद आई होंगी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ को फ्यूजन करते हैं, खुद से भी आप लोग कोशिश करें कि ये काम करते रहें। हम सिर्फ आइडियाज़ देते हैं, हम आइडियाज़ देते हैं कि किस तरीके से आप एक रेसिपी से एक डिश से मुख्तलिफ डिशेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारी दोनों डिशेस तैयार, बल्कि चारों डिशेस के साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।